बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मेरे हाथ में जैस कैश मास्टर कार्ड मौजूद है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने जैस कैश मास्टर कार्ड को एटीएम मशीन के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि आप जैस कैश मास्टर डेबिट कार्ड को पाकिस्तान भर में तकरीबन तमाम एटीएम मशीन पे कैश विड्रा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैस कैश मास्टर कार्ड से जो आप एटीएम से कैश विड्रा कराएंगे उस पर जो चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल एजेंट से विड्रा करने के हवाले से थोड़े से कम होते हैं। इस हवाले से डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि जैस कैश मास्टर डेबिट कार्ड से आप जो एटीएम से कैश विड्रा कराएंगे तो उस पर आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे। मज़ीद स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे होंगे जैस कैश मास्टर डेबिट कार्ड की जो एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन है उस पर शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है। अब इस वक्त मौजूद है हम एमसीबी की एटीएम में। आप किसी भी एटीएम पे अपने जैस कैश मास्टर डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम आज एमसीबी की मशीन से कैश विड्रॉ करेंगे। ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, कार्ड को आपने इस रो में पकड़ लेना है और यहाँ पे आपको मशीन के अंदर एटीएम दाखिल करने की जगह मिल जाती है। यहाँ से आपने एटीएम कार्ड को अंदर दाखिल कर लेना है। तो एटीएम कार्ड मैंने दाखिल कर लिया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इंतखाब कौन सी ज़बान का करेंगे, तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने देना है अपना एटीएम का पिन, ये कीपैड है, यहाँ से आपने अपना पिन देना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना पिन एंटर कर देता हूँ। तो पिन मैं एंटर कर चुका हूँ, यहाँ पर बटन आपको मिल जाएगा एंटर का, तो आपने एंटर के बटन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कैश विड्रा करने हैं या बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो मैं कैश विड्रा करता हूं। कैश विड्रा मैंने कर दिया क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है। तो मेरा जो करंट अकाउंट है तो मैं करंट को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपने दोस्तों लिखनी है अमाउंट, कीपैड से आपने अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 500 की अमाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म का बटन मिल जाएगा, आपने इसको कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद डू यू वांट अ ट्रांजैक्शन रिसीप, नो जी मुझे ट्रांजैक्शन रिसीप नहीं चाहिए क्योंकि इसकी भी फीस होती है, तो मैं ये ट्रांजैक्शन रिसीप नहीं लेना चाहता। तो अभी कैश काउंट हो रहा है मशीन पे। अभी यहाँ से पहले आपका कार्ड निकलेगा, आपने कार्ड को मसूल कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ से दोस्तों आपका कैश निकलेगा, ये कैश मुझे मसूल हो चुका है, ये देखे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने जैस कैश मास्टर डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन पर इस्तेमाल करके कैश विड्रा कर दिया। यहाँ पे आपका रिमेनिंग बैलेंस भी आपको बताया जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने जैस कैश मास्टर डेबिट कार्ड को किसी भी एटीएम मशीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।